नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम कंपाउंड्स, ठीक है? आपको उन्हें ऐसे कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है, क्लियर? अब ये जो कंपाउंड्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनके अंदर आपको सारे इफेक्ट्स वर्क करने हैं। इसमें इंडक्टिव भी लगेगा, मेसोमेरिक भी लगेगा, हाइपोकॉन्जुगेशन भी लगेगा, कॉन्जुगेशन भी लगेगा, ठीक है? ऑफ कोर्स ये सारे के सारे इफेक्ट चार्ज डेंसिटी को चेंज करेंगे। तो अल्टीमेटली तो हमें बात चार्ज डेंसिटी की करेंगे, लेकिन चार्ज डेंसिटी हमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, किसमें चार्ज डेंसिटी घट रही है। दैट इज वॉट वी हैव टू डू। इज इट क्लियर? तो हर कोई क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन दे रहा हूं, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। ये 12 क्वेश्चन नहीं है, 12 तरह के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस के बाद कोई और क्वेश्चन नहीं बचता। बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट वही रह जाएगा। ओके आराम से कर लो, तमीज से कर लो, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है? 12 में से 6 पहले जो है वार्म अप है, क्वेश्चन उसके बाद है। 6 क्वेश्चन है, 6 वार्म अप है, ठीक है? ओके चलो पहले पहले स्टार्ट करते हैं।
आंसर देना शुरू कर दो, लिख दो।
कुल 12 क्वेश्चन। हाँ, 9 में नहीं, दो, 9 में, 9 में वे 4 हैं, 5, हाँ 4 हैं, वो मैंने इसके नीचे वाले से अलग करा है, 11 में 4 है ना, वो थोड़ा सा आगे किया है मैंने। ट्वेल्थ का फोर्थ पार्ट नहीं है, ट्वेल्थ का 3 पार्ट्स है, वो 11th का चौथा पार्ट है। एक मिनट, एक मिनट, एक एटम के ऊपर जितने ज्यादा बॉन्ड लगे होंगे उसके लिए, उसके पास नेगेटिव के लिए उतना कम एरिया बचेगा, ठीक है, मैंने ये बोला। जी बिल्कुल, वो एनायन कम स्टेबल हो जाएगा। अब उस एनायन को जिससे बनाया है उससे एनायन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वहां पे आपने एच प्लस निकाल के एनायन बनाया है तो एच प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा, और एच प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट के पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है आप क्या करते हो? सर मैंने भी तो यही बोला, शब्द एक आधा ऊपर नीचे कर देते हो, और फिर जब वो शब्द एक आधा ऊपर नीचे होता है तो फिर मतलब में थोड़ा सा बदलाव आता है, और थोड़े से बदलाव के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप शब्द भी ऊपर नीचे नहीं करोगे। क्या हुआ? एक क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया एक ही है। पता नहीं स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन इजी हो जाता है तो दिक्कत क्यों हो जाती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर क्वेश्चन में हम नई चीज बताएंगे? नहीं बताएंगे, एक ही चीज बताएंगे, और एक ही कैरेक्टर है, दैट इज मोर इज द नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द कॉन्जुगेट, मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एंड मोर स्ट्रॉन्ग इज द एसिड। ठीक है, हाँ वो स्प्रेड होने का रीजन बदल सकता है, कहीं पर वो रीजन सिर्फ सिंपल एज दैट साइज ऑफ द एटम हो सकता है,
जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ H2O और H2S में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बताओ। H2O और H2S में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ फिर तो वो क्यों, तो छोटा है तो देख देख फिर गलती कर दी क्या तुमसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टांग घुसेड़े तो वो किसने कहा था, साइज छोटा चार्ज उसमें ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो स्प्रेड ज्यादा कम मतलब छोटा हो गया ना वो H2 छोटा हो गया चार्ज ज्यादा हो गया, तो चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, तो कम हो गई, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट अनस्टेबल हो गया ना। फिर हाँ ये टांग क्यों घुसेड़ी थी तुमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, H2S ज्यादा एसिडिक है क्यों घुसेड़ रहे हो टांग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नहीं घुसेड़ने को कहा ना, समझ आ गई बात, H2S ज्यादा एसिडिक है ये फैक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं HO माइनस की बात करता हूं और मैं H2SS माइनस की बात करता हूं तो S बड़ा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा एरिया पे स्प्रेड है, वैसे भी आप देख सकते हैं ना ये कम मतलब कंजुगेट बेस बना के OH बना तो लिया उसी की तो स्टेबिलिटी। माइनस FH माइनस जी तो OH ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा बेस क्यों, वो तो तुम रट्टा मार रहे हो ना। नहीं नहीं रट्टा नहीं मतलब पता है हाँ हाँ तो पता है, जो चीज पता है वो रट्टा है, मतलब रट्टा है समझ आ गई बात। तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनेशन के अंदर, देखो जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो फाइनली मेडिकल के एग्जाम में सर रट्टा देखो काम एच आएगा, टू ओ वीक एसिड है सर तुम्हें कैसे पता, फिर वही बात आई ना, जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था तो तुम गड़बड़ा गए थे ना, अब तुम्हें आंसर पता है तो तुम उसका जबरदस्ती रीजन बना रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम आंसर रीजन से क्यों नहीं निकाल सकते, जब तुम्हें एक सिर्फ एक रीजन दे रखा है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्प्रेड हो गया कॉन्जुगेट उतना स्टेबल हो गया एसिड उतना स्ट्रांग हो गया, एक रीजन दे रखा है। तुम ये देखो ना नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कैसे हो रहा है, अब यहां पे तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई मेसोमेरिक नहीं है, कोई यहां पे कॉन्जुगेशन, कोई इंडक्टिव नहीं है, एक HO माइनस है एक HS माइनस है, तो यहां पे तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया चलेगा ना, एंड दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सेंट्रल एटम, और वो भी सल्फर और ऑक्सीजन का ही डिफरेंस है, सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्प्रेड है, बात खत्म हो गई। अब यहां पे ऐसी एक और एग्जांपल है, आप बात करो तो HF HCl HBr HI की, चाहिए ज्यादा चाहिए अच्छा हो गया HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आयोडाइड सबसे बड़ा है, कोई प्रॉब्लम, HF वीकेस्ट है, समझ आ रही है बात बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ यही क्राइटेरिया है जो बिना किसी एक्सेप्शन के हर कंपाउंड में वर्क करता है, बाकी तुम जो मर्जी क्राइटेरिया बता दो मैं उसका एक्सेप्शन बता दूंगा। तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओगे सामने क्राइटेरिया, तुम्हारे सामने एक्सेप्शन लिखा हुआ है, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे उसका भी एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया चलता है सरफेस एरिया और कुछ नहीं चलता है एसिडिक कैरेक्टर। हर जगह तुम्हें यह देखना है कि जो ग्रुप यहां, अब यहां पे क्या कर रखा है, मैंने सारे COH लगा रखे हैं, जब भी दो कंपाउंड्स के अंदर तुम्हें डिफरेंस निकालना है तो तुम्हें डिफरेंस ढूंढना है, तुम सिमिलैरिटी ढूंढ के बैठ जाते हो, सर इसमें COH है इसमें भी COH है, तो COH है ना दोनों में, भूल जाओ उसे, जो चीज कॉमन है उसे पहले करो कैंसिल, फिर देखो डिफरेंस कहां है और उस डिफरेंस के बेसिस पर आंसर दो, ये देखो कि उस डिफरेंस से डिफरेंस क्या पड़ रहा है, एंड देन यू गिव द आंसर, बात खत्म, ठीक है।
पहले छह कंपाउंड्स के अंदर तुम डिफरेंस निकालोगे, आंसर आ जाएगा। सेवंथ कंपाउंड ऑनवर्ड सोचने वाली बात यह है कि क्या तुम डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे, सवाल वहां आएगा। अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि डिफरेंस क्या है तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? डन। हेलोजन्स हैं वो सारे के एक्टिविटी हैं क्या तुम्हें वो लिखवाया है, क्या लिखवाया है पीछे पहले पेज पलटो, लिखा हुआ है। कार्बोनेट स्टेबिलिटी से पहले मैंने जो ऑर्डर दिखाया था तुम्हें बेंजीन रिंग का, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद और कार्बोनेट स्टेबिलिटी से पहले ये लिखवाया है ना ऑर्डर, और उसमें क्लियर स्टेट किया है ना कि हैलोजन्स आर पुअर मेसोमेरिक इफेक्ट, उनमें इंडक्टिव डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट पर। हाँ भाई बोलो, बोलना तो तुम बता क्यों रहे थे? फीस मुझे मिली है, तुम्हें नहीं मिली? क्रॉस रेजोनेंस के अंदर एक एटम के साथ दो ग्रुप्स का रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, यानी कि या तो दोनों के दोनों उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हैं या दोनों के दोनों उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल ये जिस एटम के साथ दो लगे हुए हैं वो दोनों को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मतलब ये तो स्टेबल हो गया या अनस्टेबल हो गया, दोनों ही या तो अनस्टेबल कर रहे हैं या दोनों स्टेबल कर रहे हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन इन दोनों को जो मिल सकता है अगर दूसरा ग्रुप नहीं होता तो यहां पे ज्यादा स्प्रेड हो जाता, वो है क्रॉस कॉन्जुगेशन, टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम वर्किंग ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। बेटा पहले क्रॉस कॉन्जुगेशन कर क्या रहा है वो हर कंपाउंड में देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड बना दिया, लेटर से हमने इस कंपाउंड की बात की थी, ये कंपाउंड लिया था हमने CH3 नेगेटिव। अब यहां पे हो ये रहा था कि ये CH3 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 तीनों CH3 C के अंदर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि सारे के सारे पुश कर रहे हैं एक ही जगह डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ये इसको अनस्टेबल बना रहा है। अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव लगा के तीन CH3 लगा दूं तो वो तीनों भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पुश करके उसको स्टेबल बना रहे हैं, है वो भी क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन एक टर्म है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कंपाउंड डिपेंडेंट है, ठीक है? हाँ लेकिन उसमें ये है कि अगर इस साइड रेजोनेंस कर दी तो इस साइड नहीं होगी, इस साइड कर दी तो इस साइड नहीं होगी, क्योंकि एक साइड पे एक बार में हो सकती है। हो गया, ओके देन टू गिव यू द आंसर्स। पहली बात,
इसमें कहीं कोई क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, ये सारे आंसर्स हैं। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, सारे आंसर्स हैं। किसी में कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, नहीं हो रही, हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, ऑफ कोर्स। अगर नहीं हो रही होगी तो फिर मेरे क्वेश्चन देने का क्या फायदा है? अगर मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन सही करने दिए तो मजा नहीं आएगा ना। एक्चुअली मेरे को मजा इस बात में आता है कि मैं आंसर लिख के क्वेश्चन पूछता हूं। बेइज्जती में कोई कमी नहीं छोड़ता। बेइज्जती का समारोह धूमधाम से संपन्न होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कंफ्यूज किया, मैं कंफ्यूज नहीं करता। ठीक है, सारे आंसर्स हैं, एक्चुअली आंसर्स हैं। अच्छा चलो, पहले के अंदर किसी को दिक्कत? तो दिक्कत नहीं। दूसरे में किसी को दिक्कत? ठीक है। तीसरे में किसी को दिक्कत? फोर्थ में किसी को दिक्कत? बेटा सीधी सी बात है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करेगा, पुशिंग है। और सीएल तो फिर विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। क्या 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 COOH ना? तो बेटा देखो, फिर वही बात आई ना, फर्क कहां पड़ रहा है? जो चीज कॉमन है उसको क्यों देख रहे हो? इसके अंदर पूरा का पूरा CH2COH तो कैंसिल हो गया ना, यहां पर उसमें H है। ये एच है, बी आर है, सी एल है, एफ है, इसके बेसिस पे तुम्हें आंसर देना है, बाकी तो कॉमन है। हाँ जी, हाँ अरे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे भाई, और जिस पोजीशन पे फ्लोरीन है वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट अलावा कोई और इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता यहां पर, एक्सेप्ट ही करेगा ना, खींचेगा ही ना, वो भी इंडक्टिव के थ्रू। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और यहां पे कंपैरिजन कार्बन के साथ नहीं है, यहां कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि CH2COH तो कॉमन ग्रुप है, वो तो काट दो, हटा दो उसे, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। कंपैरिजन है हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन से क्लोरीन है, क्लोरीन से फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। और जो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कार्बोक्सिलेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अब कंपैरिजन तो यही ना, कौन कितना कम कर रहा है, कॉन्जुगेट को स्टेबल बनाएगा, चार्ज को स्प्रेड करेगा, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेटा नहीं, यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यही मैं कह रहा हूं कि आपको कहां कंपैरिजन करना है। देखो कंपैरिजन कैसे होगा, हमारे पास कंपाउंड है CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH एंड CH2COOH, ये चार कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इसमें है हाइड्रोजन, यहां पर है ब्रोमीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है फ्लोरीन। आपको CH2COH देखना ही नहीं है, आपको हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा सुनो, तुम बार बार एक जिद पे अटके पड़े हो और ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लूं। तुम्हारी बात में और मेरी बात में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उस थोड़े से फर्क से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तुम्हें कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन में,
हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, ठीक है, तो किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? हाइड्रोजन मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता, कुछ और इफेक्ट शो नहीं कर रहा, सिर्फ एक इफेक्ट हो रहा है, एंड दैट इज इंडक्टिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ब्रोमीन की ज्यादा है, ब्रोमीन से क्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन से फ्लोरीन की ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। हम क्यों बात करें कि सीएच तो पूछेंगे नहीं, सीएच तो पूछेंगे तो सारे में पूछेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? बेटा यहां पे क्या फर्क है? यहां पे सी सी ओ एच सेम है, सी सी ओ एच सेम है, कॉन्जुगेट क्यों बनाओगे भाई, क्यों बनाओगे? नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। फर्क क्या है, फर्क क्या है? यहां पे दो हाइड्रो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पे दो हाइड्रोजन एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे दो क्लोरीन एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पे तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, दैट्स इट। दैट्स इट। एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने काम कितना किया है, सोसाइटी के अंदर इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें काम करते हुए कितनी तकलीफ हुई है। अबे क्यों, क्यों? अगर मैं कोई काम आसानी से कर सकता हूं तो सामने वाले के पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, एक फैक्ट बताता हूं मैं तुम्हें, लड़कों को खास तौर से एक सलाह है, जब भी कभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई काम करो, नहीं मजाक नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं, इस बात को उसे रियलाइज जरूर करवाना कि तुम्हें उसमें कितनी तकलीफ हुई है, बता बता के नहीं, एक्शन से। जैसे कि उसने कहा प्लीज क्या आप मेरे लिए ये चीज ला सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज मांगी, तुम्हारी डेस्क पे पड़ी हुई है, नहीं बताओगे, हरगिज नहीं बताना, ये चीज कहां मिलेगी, ये तो मुझे नहीं पता, ओके मैं अभी सर्च करता हूं, यू हैव टू से दैट। फिर उसके बाद तुम खट 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 करोगे, अरे ये तो मैं तो जनकपुरी में बैठा हूं, ये तो ईस्ट ऑफ कैलाश में है, वहां पर ये पर्टिकुलर शॉप पे शायद मिले, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूं, खट आधे घंटे बाद कॉल करो, हाँ मुझे पता चल गया वहां मिली है, मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे को एक्चुअली मेरे कुछ काम है, क्लाइंट है, मैं अभी मीटिंग कैंसिल करता हूं, से दैट ओके। तुम आराम से गेम खेल रहे हो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में बैठे हुए हो, एयर कंडीशन में हो, कॉफी पी रहे हो, गेम खेल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोलोगे यही। फिर आज एक घंटे बाद, मैं वहां शॉप पे पहुंच गया हूं, ये वाला कलर ही ठीक है ना, कलर तो खैर अब उसके पास एक ही कलर, तुम्हारे डेस्क पे तो एक ही पड़ा हुआ है ना, कलर तो वही है तुम्हारे पास, मैं ये ले आऊं? अब थोड़ा सा उसको सहानुभूति होगी, इतनी दूर गया है, नहीं ये कलर तो पसंद नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, ले आओ जरूरत है, अच्छा मैं लेकर आ रहा हूं। फोन काटो, आधे घंटे बाद, बहुत ट्रैफिक था, ठीक है पर मैं ले आया, ठीक है अभी एक मीटिंग और है, आई विल फिनिश इट ऑफ एंड देन आई विल कम, देता हूं मैं तुम्हें। सुबह तुम्हें 8 बजे बताया गया है, तुम रात को 9 बजे पहुंच रहे हो, एंड टाई वाई खोल के, थोड़े से बाल बिखरा के, थोड़ा सा पानी वानी मुंह पे मार के फिर जाओ, ये रहा तुम्हारा सामान, ले आया बड़ी मुश्किल से लाया, एंड देन सी व्हाट द ट्रीट यू गेट। अगर तुमने ये बोल दिया मेरी डेस्क पे पड़ा है मैं लेकर आ रहा हूं, देन सडनली पर ये ना कलर पसंद नहीं आया, तुम ना दूसरा लेकर आओ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, दैट्स व्हाट यू आर ब्लडी डूइंग। जब एक चीज से आंसर आ रहा है तो उसे ट्विस्ट करना, घुमाना जरूरी है क्या? तसल्ली नहीं होती ना, आंसर इतनी आसानी से क्यों आ रहा है? ये रहा आंसर, बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है, यहां पर मैंने आंसर दिया, बेटा सरफेस एरिया, बात खत्म, सरफेस एरिया नहीं,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वाटर हमने सुना था कि वो कम एसिडिक होता है, नहीं दूसरा कहेगा नहीं 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 ज्यादा एसिडिक होता है, लड़ोगे भिड़ोगे, तब फिर लास्ट में मानना तुम्हें वही है जो आया है। लेकिन नहीं, जब तक पसीना नहीं बहेगा, जब तक तकलीफ नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा। करो, ये क्वेश्चन के साथ मत करना, गर्लफ्रेंड के साथ करना। क्वेश्चन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ में आई बात? उसको आंसर चाहिए, दैट्स इट। जल्दी ले आओ, अच्छी बात है, मार्क्स मिल जाते हैं। उल्टे हैं, क्वेश्चन को गर्लफ्रेंड समझेंगे, गर्लफ्रेंड को क्वेश्चन समझेंगे, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। एक्सपीरियंस होल्डर हूं, माना करो बात, क्वेश्चन भी किए और आगे छोड़ो। हाँ जी, किसका है? पांचवे का। ओके, सबसे ज्यादा ऐसे जाएगा ना ये, ठीक है। और यहां पे क्या फर्क आ रहा था? फ्लोरीन पास जा रहा था। तो देख रहे हो, छोटा छोटा फर्क है इन क्वेश्चंस के अंदर। और एक फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर है, वो फैक्टर आइडेंटिफाई करो, आंसर आ गया। समझ आ रही है बात? ओके, सिक्स्थ वाला। सबसे पहली बात, फर्क कहां है? ग्रुप्स में बेंजोइक तो कॉमन है, ठीक है। इसमें यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन दिखता नहीं है पर होता है। NO2, NO2 का क्या प्रॉपर्टी है? माइनस आए माइनस एम, इंडक्टिव के थ्रू भी खींच रहा है, मेसोमेरिक के थ्रू भी खींच रहा है। तो ये तो बेंजीन रिंग को लूट लेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देगा तो बेंजीन रिंग इन टर्न COO माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबल बना देगा। फर्स्ट। दूसरा Cl, Cl इज प्लस एम माइनस आए, लेकिन माइनस आए प्लस एम पे डोमिनेट कर रहा है, तो ओवरऑल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहां पे CH3 है, CH3 इज प्लस आए प्लस एम, ठीक है, प्लस आए प्लस एम थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाएगा, एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा, कोई दिक्कत? OCH3 माइनस आए प्लस एम, माइनस आए प्लस एम, ऑक्सीजन है, पैरा पोजिशन पर है, पैरा पोजिशन पे वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, और ये ऑक्सीजन है। समझ आ गई बात? कितनी आसानी से आंसर आ गया, छोटा सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपका लेजर वॉक खत्म हुआ, अब आंसर है सेवंथ। ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। O माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबल बना देगा, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम बाकियों में नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों में है। और तो ग्रेटर देन पैरा होना चाहिए, मेसोमेरिक तो दोनों का बराबर है, इंडक्टिव ऑर्थो पे ज्यादा होता है। तो अगर लॉजिकली आंसर निकालोगे तो ऑर्थो सबसे ज्यादा होना चाहिए, पैरा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 4-3-4-2-1 होना चाहिए, 4-3-2-1 आंसर है तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से, जो लॉजिक तुम्हें अब तक पता है उसके हिसाब से 3-4-2-1 होना चाहिए, और तो सबसे ज्यादा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा पेच फंसा हुआ है, और वो पेच क्या है? पेच ये है कि जब हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ ओ और यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्ड,
जिस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फिनॉल का हाइड्रोजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ये जो सेवंथ एग्जाम्पल है ये ट्रिकी एग्जाम्पल है जिसे तुम एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें ये याद होना ही जरूरी है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसी भी एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो फालतू के क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिनको रटे बिना आंसर नहीं आ सकता, उन क्वेश्चंस को एग्जामिनर किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है। वो आईआईटी मेंस में भी आ सकता है, आईआईटी एडवांस में भी आ सकता है, मेडिकल के डीपीएमटी में, वो मेडिकल के उसमें नीट में भी आ सकता है और एम्स के एग्जाम में भी आ सकता है। वो किसी में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, उसको इजी मानकर भी दिया जा सकता है, डिफिकल्ट मानकर भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एज सच तो सॉल्व होगा नहीं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इजी मान लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ तो ये आ गया हमारे पास। अब आती है बात 8 की। अब इसमें एक स्टेटमेंट याद रखना, और ये भी रट्टा है, भाई का रट्टा बहुत स्ट्रांग है, इसने बहुत अच्छा रट्टा मारा हुआ है, वही तो बोल रहा हूं। और क्या बोल रहा हूं मैं, तो सर रीजन तो पता है बता रीजन, इसका रीजन ही नहीं है, बताएगा कहां से? इसका रीजन नहीं, मतलब 8th वाले का तो रीजन ही नहीं है ना। ठीक है, 8th वाले के अंदर तुम्हें एक स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल सिंपल एलिफैटिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। ये स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि आप बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के अंदर फैक्टर्स बदल गए हैं। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन ऑल नॉर्मल एलिफैटिक एसिड्स। नॉर्मल एलिफैटिक एसिड का मतलब है कार्बन चेन है और साथ में COH है, वो होते हैं नॉर्मल एलिफैटिक एसिड्स, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। इज दिस क्लियर? ओके, 9th वाला। जी लिखले, सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ फिर पूछ रहा है कि क्या है ये। एक बात नहीं समझ में आई तुम्हें, याद है तुम्हें मैंने बताया था कि अगर क्लोरीन और फ्लोरीन लगा होता है, देन इन दैट केस अगर ऑर्थो पोजीशन ऑफ फ्लोरीन की बात करोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो ऑफ क्लोरीन से कम है, लेकिन अगर पैरा ऑफ फ्लोरीन की बात करोगे तो पैरा ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा ऑफ क्लोरीन से ज्यादा है। लगा दिया आंसर, पैरा ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, तो पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन कम खींचेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। समझ आई ये बात? हाइड्रोजन नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन भी नहीं करता, उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ बेटा फ्लोरीन में, यहाँ पे फ्लोरीन पे कार्बन लगा हुआ है। अल्काइल हैलाइड्स में, किसी भी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्काइल हैलाइड्स पानी में सॉल्यूबल नहीं है, फ्लोरोमीथेन भी सॉल्यूबल नहीं है। समझ आई बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना सिंपल टॉपिक नहीं है जितना तुम्हें कराया जाता है, उसमें और बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा ग्लिम्स देके छोड़ दिया जाता है, तुम्हारे कोर्स में उतना ही है। ओके okay? पैरा पे, ऑर्थो पे नहीं, ऑर्थो पे इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है, तो हम कर ही चुके हैं ना।
ओके टेंथ। सिस स्ट्रॉन्गर है क्यों? और ट्रांस क्यों बोला था आपने? ट्रांस स्टेबल होता है, मतलब क्या किसने ट्रांस स्टेबल होता है, उसका पॉजिटिव है, कहा ये तुम्हें? लड़की में तो होता है। तो यहां पे हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से क्या करना? जरूर हम मिलेगी, एलिमेंट की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते पुत्र, यहां पे हम इसके कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते, हमें उसके कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी की बात करनी है या अगर जैसे हमने बेटा। इसमें एलिमेंट की बात कर कॉन्जुगेट में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेट में सिस में। यहां हमारे पास है एच सी डबल बॉन्ड सी एच, ये हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड, ट्रांस इज कॉल्ड फ्यूमारिक एसिड। पहला हाइड्रोजन मैलिक एसिड में से निकालना आसान है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन फ्यूमारिक में से निकालना आसान है, क्योंकि अब ये स्टेबलाइज हो गया तो अब अगला हाइड्रोजन निकालना मुश्किल हो गया, फ्यूमैरिक में ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर जैसे जो अगर एच निकाल के देखें एच क्यों निकाल के देखें? एसिडिक करेक्टर को नहीं, करने एसिडिक करेक्टर में एच निकाल के क्यों देखेंगे? क्योंकि एच निकालने के बाद जो कंजुगेट बच जाएगा वो उसको ज्यादा स्टेबल स्टेबल। कर देगा, हाँ बस, तो अगर इसके दोनों एच नहीं निकल सकते हैं। तो दोनों निकालोगे तो वो सेकंड हो गया ना। एसिडिक कैरेक्टर फर्स्ट से डिसाइड होता है बेटा। हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्लीज ध्यान रखो उस बात का। सल्फ्यूरिक एसिड से पहला हाइड्रोजन निकालना आसान है, दूसरे का तो जैसे टेरिस्ट माइनस टू है के, सेकेंड हाइड्रोजन के हिसाब से तो सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड है। एक बात का ध्यान रखो, कोई सोचने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं निकलेगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकलेगा, सिंपल। एच एस एफ ओ माइनस बनाते उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा आसानी से, उसको मुश्किल है निकालना। ठीक है, ओके टेंथ हो गया। इलेवेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। द कॉन्जुगेट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज्ड। अब यहां पर एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आता है जिसे बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट। नाम सुना है ना? गुड, लिखो ऑर्थो इफेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डजेंट मेक अ डिफरेंस। Presence of any group on ortho position, presence of any group on the ortho position of benzoic acid, presence of any group on the ortho position of benzoic acid increases its acidic character. ठीक है, एंड डिक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन। ठीक है, आगे एक बार एक लाइन और लिख लो। ऑर्थो इफेक्ट इज
ऑर्थो इफेक्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ स्टेरिक कॉमा इलेक्ट्रॉनिक एंड बॉन्डिंग इफेक्ट्स स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक एंड बॉन्डिंग इफेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ विच इज नॉट अंडरस्टूड। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? अंडरस्टूड मतलब ये सोफिस्टिकेटेड तरीका है ये बोलने का, हमें नहीं आता। यही तो बोला मैंने। एनिलीन का एसिडिक कैरेक्टर की बात क्यों करेंगे हम? हाँ, ट्वेल्थ वाला भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तुमने सवाल पूछा था, ये जवाब है। इसमें दो इफेक्ट एक साथ हैं। इसमें एक इफेक्ट और भी है, और वो एक इफेक्ट ये है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे COH की बात करूं, चलो COO माइनस की बात करते हैं। अब एक बहुत छोटा सा सवाल है, ये बेंजीन रिंग इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? विल द बेंजीन रिंग इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इट? क्या करेगा? कम करेगा, ज्यादा करेगा? मेरे भाई मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो COO माइनस के साथ लगा हुआ है, ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा। बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कैसे? अच्छा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मेक इट। हाँ भाई, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? कैसे? कंजुगेशन, यही बोला ना तुमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ एकदम। बनाने तो दे, कई चीजें ऐसी होती जब तक तकलीफ ना हो समझ नहीं आती। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि बेंजीन रिंग उसको स्प्रेड कर रहा है तो एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। पता है प्रॉब्लम क्या है? जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन होगा वो इस डबल, ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ तो हो ही नहीं सकता, वो इस ऑक्सीजन के साथ होगा। और इस ऑक्सीजन के साथ अगर होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट थोड़ी ना कर रहा है। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इस नेगेटिव को स्प्रेड होने की जगह कब मिल गई? क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया। ठीक है, समझ आई बात? COOH इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, माइनस एम ग्रुप, प्लस एम नहीं है।
ठीक है, तो बेंजीन रिंग एक्चुअली इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। अगर हम यहां पे कोई ग्रुप लगा देते हैं, लेट अस से CH3, तो CH3 क्या करता है, इस COO- को प्लेन से बाहर धक्का मार देता है। अगर ये प्लेन से बाहर धक्का मार देगा, देन इन दैट केस ये जो COO- ये है, ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। यहां पे धक्का मारने की वजह से, भीड़ की वजह से कॉन्जुगेशन कम हुई है। इसे कहा जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ कॉन्जुगेशन। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गई है। ठीक है जी, कोई दिक्कत बेटा? स्टेरिक इनहिबिशन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हुआ है। की वजह से इनहिबिशन हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो वो बाहर निकला है। ठीक है, किसमें? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बहुत प्यार से डिसाइड हुआ है। देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, ये जो CH3 CH3 है, इन्होंने COH को प्लेन से बाहर कर दिया, तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। ये NO2 है, इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया मेसोमेरिक से और इंडक्टिव से। ठीक है, अब जब हम तीसरे की बात करते हो, तो तीसरे में CH3 CH3 मेटापोजिशन पर है, मेटापोजिशन पे इनका प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा इस CH3 और CH3 ने NO2 को प्लेन से बाहर कर दिया है, तो NO2 का मेसोमेरिक नहीं चल रहा। अब NO2 का मेसोमेरिक नहीं चल रहा, तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा नहीं पा रहा ना, तो उसका माइनस आई भी चल रहा है। माइनस आए तो पहले वाले में भी चल रहा है। जो कॉमन है उसको तो हटा ना, माइनस आए तो सब में कॉमन है। NO2 का माइनस आए तो सब में कॉमन है। इससे मतलब कर सकते कि CH3 पास या दूर है। बेटा फिर तुम चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। CH3 अगर COH के पास है तो उसको प्लेन से बाहर निकाल देगा, निकाल दिया। NO2 के पास है तो NO2 को प्लेन से बाहर निकाल देगा। सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है, NO2 NO2 तो है, CH3 नहीं है ना, तो स्टेरिक इनहिबिशन कहीं पे भी नहीं है। नहीं, ठीक है, पहले वाले में स्टेरिक इनहिबिशन COH के साथ हो रहा है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तीसरे वाले कंपाउंड में NO2 के साथ है, तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट वर्क नहीं करेगा ना, उसका माइनस आर इफेक्ट काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। तो माइनस आर और माइनस एम मिलके COH वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे थे ना, माइनस आर माइनस आई और माइनस आर मिलकर COH के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे थे ना। माइनस आर तो उसकी किसको स्टेबल, COOH को स्टेबल करेगा या COO- को स्टेबल करेगा? CO- को स्टेबल करेगा। तो माइनस आर कर रहा है ना, और तीसरे कंपाउंड में वो माइनस आर वर्क नहीं कर रहा, तो अगर माइनस आर वर्क नहीं करेगा तो जो स्टेबल उसको करना था वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं स्टेबल कर पा रहा है तो COO- तीसरे कंपाउंड का कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, इवन एज कंपेयर टू सेकेंड। कि उसमें मतलब उसको स्टेबल करेगा सेकंड वाले में, और तीसरे वाले में वो काम नहीं करेगा, और CH3 इतना ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा उसको। CH3 किसे स्टेबल कर रहा है? CH3 तो अनस्टेबल कर रहा है, मतलब हाँ मतलब वो मेटापोजिशन पे तो CH3 अनस्टेबल बनाएगा ना CO- को। हाँ ठीक है सर। ठीक है, कर तो रहा है, मैंने कब मना किया? पहले वाले में ऑर्थो इफेक्ट शो हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, CH3 साइज है ना बड़ा, उसका हाइड्रोजन तो बड़ा है ना CH3। अगर हाइड्रोजन से CH3 बड़ा है, देन इन दैट केस वो इसको प्लेन से बाहर कर देगा। हाँ, और प्लेन से बाहर कर देगा तो इसे धक्का मारने तो कहेंगे।
नहीं, यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे COH का प्लेन चेंज हो रहा है, तो COH तीनों में कॉमन नहीं रहा। पहले में प्लेन चेंज हो गया, दूसरे और तीसरे में नहीं हुआ। यहाँ पे NO2 भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि पहले में NO2 का प्लेन चेंज नहीं हुआ, दूसरे में चेंज नहीं हुआ, तीसरे में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट है, ये 12वां क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स का नहीं है, मजे लेने के लिए है। और मजे लेने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि भाई ने मजे लेने की स्टार्टिंग कर दी थी, तो तुम्हारी नोटबुक पे किसी ने तो मजे लिए थे।